भाग 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 मार देगा मैं। अगर आपको कोई डंजन नजर आए तो उसी वक्त उसके अंदर जाओ। कैप्चर हो गया। हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ पैल वर्ल्ड। सो पैल वर्ल्ड में हमने काफी आगे चले गए थे, बेस हमने लेवल 7 लेवल 8 कर ली थी और हमने फाउंटेन वगैरह भी बिल्ड कर दिया था। अब हम इस चीज़ में लगे हुए हैं कि यार हमने ज़्यादा से ज़्यादा पोकेमॉन्स इकट्ठे करने हैं, मैप एक्सप्लोर करना है, नए से नए पोकेमॉन्स ढूंढने हैं और उनको अपनी बेस भी स्ट्रॉन्ग करनी है। ये बड़ी बेसिक बेस है, हम आगे जाके भी डिफरेंट लोकेशंस पे बेसिस बना सकते हैं। तो अभी तो ये हमने स्टार्टअप बेस ज़रा बनाई हुई है तो टाइम नहीं वेस्ट करते क्योंकि आज बहुत काम करना है, दिन रात काम में लगा देनी है, हमने मजदूरी करनी है प्रॉपर पोकेमॉन्स के साथ। सो विदाउट एनी फर्दर डू सिट बैक रिलैक्स And let's jump right in. अच्छा, पहले तो हम आपको बेस की अपडेट दे देते हैं अपनी। बेस की अपडेट में हमारी ये नीचे फास्ट ट्रेवल लोकेशन के बिल्कुल नीचे रखी हुई थी। ये देखो हमारे पोकेमॉन्स लगे हुए हैं खेती बाड़ी करने। हमने बना दिए थे वो बेरी फार्म्स। वो देखो भूख लग गई, दो हमने क्रिएट करी थी जहाँ पे काम चल रहा है। हाँ, ये देखो ये फार्मिंग हुई हुई हमारी, बेरीज की फार्मिंग हो रही है। यहाँ पे हमने इनके ढेर सारे बेड्स पहले ही बना दिए थे कि यार टेंशन ना हो। यहाँ पे हमारा पत्थर इकट्ठा हो रहा है, ये क्रशर है जो गोल्ड वगैरह भी देते थे, प्लैटिनम भी देते थे और ये हमने उनकी बाथ टब बना दिए थे कि यार जरा थके तो रिलैक्स कर सके इसके अंदर। और ये हमारे दरख्तों का है लेकिन दरख्त वाला अभी तक हमें कोई मिला ही नहीं है पोकेमॉन जो दरख्त वाले इस जगह पे काम कर सके। पत्थर वाला तो है, अपना भी दिखाए थे हमारा रूम कितना का। हाँ, रूम के अंदर हमने रखा हुआ है अपना वो बॉक्स जिसमें हमने चीज़ें वगैरह जमा करनी थी। पहले बॉक्स की पोजीशन बाहर थी, फिर हमने अंदर कर दी थी, काफ़ी चीज़ें जमा हो गई थी। हमारी एग्स भी हैं हमारे पास लेकिन ये एग्स का अभी हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि हमें मैं आपको दिखा देता हूँ टेक्नोलॉजी में हमें ये चाहिए, ये एग इनक्यूबेटर, ये लाजमी है, बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके अंदर हम अंडे रख के उसके बाद पोकेमॉन निकाल सकते हैं अच्छे वाले। तो इसके लिए हमें कोई ऐसे पोकेमॉन्स दो पकड़ने हैं जो इस चीज़ को खोलेंगे, अनलॉक करेंगे और उसके बाद हमें एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिलेंगे। एंशिएंट टेक्नोलॉजी पॉइंट मिलेंगे तो हम ये अनलॉक कर सकते हैं। पैल्डियम चाहिए उसके लिए हमें, आगे था दो पैल्डियम रिक्वायर्ड हैं। हाँ, और एंशिएंट वो तो सिविलाइजेशन पार्ट्स वगैरह तो मिल ही जाएंगे हमें, चेस्ट वेस्ट खोलेंगे तो। अभी तो हमने स्कैटर कुछ किया नहीं, बेस ही सिर्फ सेट कर रहे थे हम लोग, अभी हमने कोई ऐसा जिस तरह से एक्सप्लोर किया ही नहीं है। दूसरा, हमारे ट्यूटोरियल्स में भी एक मिशन रहता था, चैलेंज द बॉस एट रेन सिंडिकेट टावर, मेक श्योर योर पैल्स एंड इक्विपमेंट्स आर इन टॉप कंडीशन। अच्छा, एक और चीज़ भी मैं आपको दिखा दूँ जरा, हमने एक जहरीला पैल पकड़ लिया था पहले ही। हम ये चेक करो मेरा पैल, नाइट विंग पकड़ लिया था हमने, ठीक है, ये अच्छी चीज़ है। तो ये आ गया हमारे लिए फाइट के लिए। अब हम ये चेक कर लेते हैं कि हमने पैल बॉक्स पे चेक कर लेते हैं, हमारी बेस अगली अपग्रेड होगी जब हम बिल्ड हाई क्वालिटी वर्क बेंच बिल्ड कर लेंगे और बिल्ड मेडिवल मेडिसिन वर्क बेंच। तो ये दो चीज़ें भी हमने बनानी है, उसके बाद हम बेस को अगले लेवल पे भी ले जा सकते हैं, 9 पे चली जाएगी उसके बाद। हाँ, लेकिन हमें मेरे ख्याल से अभी हमें फोकस करना चाहिए ये जो चैलेंज ट्यूटोरियल जो हमें बता रहे हैं ना यार, इस पर जाओ क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि जब आप ट्यूटोरियल्स में जाते हो ना तो वो आपको ऐसी चीज़ बताते हैं जिससे आपको अर्ली स्टेज पे ज़्यादा फायदा होगा। तो अभी अगर ये हमें कह रहा है कि रेन सिंडिकेट टावर पे जाना है तो हम वहीं चलते हैं। पहले मैप में देख लेते हैं कि रेन सिंडिकेट टावर है कहाँ, मतलब हमें पता तो चले। मैप भी एक्सप्लोर हमने पूरा नहीं किया उस तरह। ये है टावर ऑफ रेन सिंडिकेट। फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं ना उधर, फास्ट ट्रैवल तो हम यहाँ कर सकते हैं, यहाँ से फिर आगे जा सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते नहीं, ये अभी खोला हुआ ही नहीं है टावर का। तो जो ब्लू है मैं, इसका मतलब है इन पे हम फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं, फास्ट ट्रैवल करके ऊपर जाते हैं फिर। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं हमारे पास फाइटिंग पोकेमॉन सारे अच्छे हैं, हाई लेवल के, क्योंकि वहाँ पे हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सिंडिकेट टावर में हम जा रहे हैं तो पहले हम देख लेते हैं, हमारे पास है लेवल 9, लेवल 9, लेवल 10, लेवल 9 और लेवल 10 के हैं, अच्छे हैं और यही लड़ सकते हैं मेरे ख्याल से इनसे। इनके अलावा और कोई हमारे पास फाइटिंग पोकेमॉन है सच, हमने कोई इस तरह का पकड़ा नहीं है, पर पकड़ेंगे इस दफ़ा। आज ज़रूर हमने कोई अच्छा पोकेमॉन बड़ा वाला पकड़ना है तो हमारे साथ ही रहना। फास्ट ट्रैवल करते हैं यहाँ से। हाँ, पहले हम फास्ट ट्रैवल भी कर लेते हैं यहाँ से जल्दी जल्दी। अच्छा, दूसरा हमने हाँ, हम यहाँ से पहले फास्ट ट्रैवल करते हैं और ये सिंडिकेट वाला मसला तो हल करते हैं कि है क्या सिंडिकेट, हैं कौन ये, वो पोकेमॉन में टीम रॉकेट की तरह तो नहीं है जो पोकेमॉन्स को पकड़ ज़बरदस्ती पकड़ने के में लगे रहते हैं।
मुझे तो लगता है वही है, उसी टाइप के हैं, टीम सिंडिकेट। तो हाँ उसमें भी, उसमें भी उनका टीम सिंडिकेट ही नाम था ना। नीचे बिल्ड का ऑप्शन आ रहा है, न्यू बिल्ड, तो काफी चीजें हम कर सकते हैं। ये देखो प्रिमिटिव फर्नेस, ऊपर अदर्स में कोई चीज शो हो रही है, उधर देखते हैं जाके। ये साइन बोर्ड, अच्छा साइन बोर्ड लगा सकते हैं हम अपना। वो जो भी टेक्नोलॉजी आप अनलॉक करते हो ना, उसके बाद फिर वो आपको कहता है कि भाई वो बिल्ड भी कर लो अगर अनलॉक कर लिए, पर जरूरी नहीं है, हमने जो बिल्ड करना है हम वही करेंगे। अच्छा आई थिंक ये फ्यूचर में हम यूज कर सकेंगे बड़े उनको मारने के लिए। टावर में हम इंटर हो चुके हैं और पहली हमारी जो है ये अनलॉक की जगह, फास्ट ट्रैवल की जगह खुल गई है। अच्छा और हम अब जल्दी सिंडिकेट टावर में जाके देखते हैं उधर है क्या। वो देखो उधर, आई थिंक अभी हम नहीं जा सकते यार, उनका लेवल आई थिंक हाई होगा, पहले हम जो ट्यूटोरियल शो करें उधर जाते हैं। ये है ना चैलेंज द बॉस एट रेन सिंडिकेट टावर, मेक श्योर पैल्स आर इक्विपमेंट्स आर एट टॉप क्वालिटी टॉप कंडीशन। जॉइन बॉस बैटल, होल्ड टू बिगिन बॉस बैटल। हाय जॉन, सिंडिकेट टावर में पहला बॉस बैटल होने लगे। ओए होए होए, अच्छा ये क्या है? या आई थिंक वही टावर को शो कर रहा है टावर। हाँ ओ एंटर हो गए टावर में, वो कोई बॉस आ रहा है। ओ ये कौन है भाई? भाई जान ओहो भाई, हमें ऐसे कपड़े कब मिलेंगे भाई? पैल सफीर पोकेमोन, ओ उसने पोकेमोन बैटल होने लगा हमारा। ओ भाई उसका पोकेमोन चेक करो, बड़ा है ये भाई, वो ऊपर राइड भी कर रही है उसे। जोई एंड क्रिस बोल्ड, क्रिस बोल्ड यार बड़ा अच्छा पोकेमोन है इसका, ये होना चाहिए हमारे पास भी। ब्रो उसकी हेल्थ देख 30,000 है, क्या हम इसको अभी बीट भी कर सकेंगे या नहीं? आई थिंक पोकेमोन छोड़ने पड़ेंगे ना हमने इन पे, इसके बगैर जा नाइट विंग मार इसको। बच बच बच, हमने बचना भी है, हमारी हेल्थ भी देख कम हो रही काफी। अबे वो फुल स्पीड से जा रहा है, नाइट विंग कुछ कर ही नहीं पा रहा उसको। ओए वो तो खत्म हो गया आई थिंक नाइट विंग, क्रॉस आ गया उस पे। वो हेल्थ देख हमारे नाइट विंग की, हेल्थ तो कम थोड़ी सी कम है, लेकिन हम दूसरे पोकेमॉन नहीं छोड़ सकते साथ। नहीं छोड़ सकते हैं क्या? आई थिंक नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। ओए यार तो ये लॉक कर रहा है हम पे। ओए हेल्थ देख किधर, हमें फ्रीज कर दिया इसने तो, ये क्या हो गया भाई जान? हमें हेल्थ चाहिए यार, हमें हेल्थ भी चाहिए। लैम्प बॉल को ज्यादा डैमेज नहीं कर सक रही, इसको छोड़ते हैं। हेल्थ पूरी कर, वो देख हेल्थ। भाई मार दिया हमें, नहीं भाई अभी हम, ओहो ड्रॉप्ड ऑल आइटम्स इक्विपमेंट, हमारे आइटम्स भी गिर गए हैं, क्या करेंगे अब हम? हमारे सब कुछ आइटम भी वहां गिर गए, ये हमने अपने से बड़ी बाइट मार ली, आप लोगों ने नहीं मारनी, मतलब अभी हम उसको नहीं मार सकते, वो बहुत स्ट्रांग है। 30,000 हेल्थ है उसकी, और हमारे पास सबसे बड़ी बात हमने कुछ वेपन भी अपने बिल्ड नहीं किए ना। हाँ वेपन भी बिल्ड करने बहुत जरूरी थे, अपग्रेड और होनी चाहिए हमारी। नहीं वेपन बिल्ड करने चाहिए थे, अभी हम वहाँ वापस जाते हैं और अपने आइटम्स शराफत से उठा लेते हैं, होपफुली हमारे आइटम्स वो दे देगा हमें। वहाँ पे पड़े होंगे, बाहर पड़े होंगे, शुक्र है अभी हम इधर नहीं जा सकते, शुक्र है हमारे आइटम्स जाया नहीं हुए, हमें मिल गए वापस तमीज से। सिंडिकेट टावर में कलेक्ट ऑल टेक ऑल, यस आ गया शुक्र हो गया। अब वो ही क्या राइट पे डियर? हाँ एक और कोई वो है। अच्छा करना अब हमने ये, इधर चलते हैं, यहाँ सिंडिकेट थग्स कुछ कर रहे हैं, इनको कैप्चर भी कर सकते हैं आई थिंक। हाँ लेकिन अभी नहीं, पहले इनकी यहाँ पे क्या है, ये इन्होंने बेस सेट की भी है, वो इन्होंने कोई पोकेमॉन पकड़ा हुआ है। ओ हम उस पोकेमोन की मदद करवाते हैं ब्रो, सिंडिकेट थग्स हो, इनके पास गन्स भी हैं। हम गन्स कब बिल्ड करेंगे, पहले तो इनको मारते हैं ना सालों को जाके। मारो इनको, मारो मार नाइटविंग, करानी पड़ेगी क्योंकि नाइटविंग मारो सही से यार, क्या हमारी हेल्थ भी कम है, हम तो बच रहे हैं भाई इस वक्त से। नहीं हमारे पास बो एंड एरो वगैरह ही कुछ नहीं है ना, हमें बिल्ड करना चाहिए, पर सिंडिकेट ने मार दिया। ओ भाई साहब अबे आई थिंक यहाँ गन मिल जाएगी, सिंडिकेट को मार दिया, मारो इनको मारो। ओ ये भी हमारे एनिमीज हैं, तो ये हमें क्यों मार रहे हैं, हम तो तुम्हें बचा रहे हैं पागल के बच्चों। नहीं नहीं सबको डैमेज दे रहा है, वो मार रहा है हमारा, हमारा नाइट विंग सबको मार रहा है भाई, वो देखो मार मार नाइट विंग। ये चीज बहुत अच्छे, वो देख हम पे एम ले रहा है।
गोलियां ओए गन डायरेक्ट फायर कर रहे हैं। लाइटिंग मार इसको। चुप कर बे कुत्ते। ओए ये चीज थोड़ा सा रह गया। एक और शॉट चाहिए। उस डियर को भी मार रहे हैं, उसको पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसको भी हम मार सकते हैं, हमारे पास वो नहीं है एक्स वगैरह। एक्स से तो मार सकते हैं ना राइट वाले को। इसको पहले मारे ना, इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं हम। नहीं अभी पकड़ सकते हैं, 30% था, कैप्चर नहीं होगा। एक दम फिर ट्राई कर लेते हैं। अभी भी कैप्चर नहीं होगा, बॉल जाया हो रही है। नहीं नहीं आ जाएगा पास का ट्राई लेता है। ओ ऊपर चढ़ गया भाई, इसकी हेल्थ बहुत अभी ज्यादा है, कम से कम 60-70%। हमें क्यों मार रहा है भाई ये चीज। ओ उसने पूरा ही मार दिया। इसको मार आखिरी वाले को, उसकी भी हेल्थ कम है। हम ये खा लें जल्दी से। ओ गोलियां मार रहा है हमें साले। मार सिंडिकेट को नाइटविंग। बहुत वाला नाइटविंग की भी हेल्थ लो हो रही है। अब क्या करना है हमने इसको। एक्स किधर है? एक्स इनको डैमेज दे सकते हैं हम लोग आई थिंक। यार ये तो तुम छोटी छिपकली, तुम क्यों मार रही हो हमारे। चलो ये भी मार दिया हमने। हेल्थ हमें अपनी चाहिए। ओए होए नाइटविंग ने तो इधर तबाहियां फेर दी हैं भाई, सबको ही मार दिया। ये आई थिंक अब ब्लॉक किस तरह खुलेगा यार इसको। हमने आई थिंक फ्री करवाना है। होल्ड टू रिलीज द पैल। ओए होए ये पैल देख कितना मजेदार लग रहा है। ये बड़ा अच्छा पैल है यार। ये हमारा हो जाएगा क्या? हम इसको फ्री करा। आई थिंक ओ शिट ओए हमारा हो गया। ओ मॉक क्रिस्ट न्यू पैल कैप्चर लेवल 1। वाओ क्या बात है। भाई हमने नया पैल वो बना लिया है। पैल डेक में भी कोई चीज हमारी आई है न्यू। पहले हम हेल्थ भी बढ़ा लें अपनी। थोड़ा हेल्थ क्यों नहीं बढ़ रही? अच्छा हेल्थ खुद ही बढ़ेगी। ऑटोमेटिक जा रही है आई थिंक। ओ एमओ भी मिली है वो देखो, असॉल्ट राइफल एमओस और ये। यस आगे जाके हमें गन्स वगैरह भी शायद मिले और गन्स भी हमें बिल्ड करने पड़ेंगे। ये देख दो मेगा स्फीयर्स हैं हमारे पास। मेगा स्फीयर्स मेरे ख्याल से बड़े वाले पोकेमॉन्स को पकड़ने के काम आते हैं। आई थिंक यहां आगे कुछ और भी है, जरा देख लेते हैं एक दफा। कहाँ जाए? पीछे जाके देखते हैं ना उधर क्या है। पहले देखते हैं मैप में। हाँ ये एक और नई जगह आगे खुल रही है, कनेक्ट हो रही है। हाँ हम ये क्या है यार, एक मिनट रुक। मसला पता क्या है यहाँ पे? ये क्या है ये जो बना? ये तो टट्टी है। जाके देखें। आई थिंक केव है। केव में क्या अब तो कोई अच्छी चीजें हमें मिल। इंटर डंजन। डंजन है ब्रो, डंजन ट्रैवल करेंगे। डंजन में क्या अब तो कोई हैवी स्टाइल कोई अच्छा पोकेमोन ही हमें पकड़ने का मौका मिल जाए। ये हम आ गए हैं डंजन में। हमारा आर्मर वैसे डैमेज्ड है लेकिन कोई बात नहीं। ये देख डे ड्रीम लेवल 5 है। ये पता नहीं क्या करता है पोकेमोन। हम नाइट विंग को बुला सकते हैं ना। हाँ नाइट विंग वगैरह को तो बुला सकते हैं लेकिन हमने पकड़ने भी हैं पोकेमोन। वो सिंडिकेट के बंदे खड़े हैं देख रहा है। इसका मतलब है इधर कोई पोकेमोन या कोई अच्छी चीज हो सकती है जिनको ये गार्ड कर रहे हैं। इधर ऐसा तो नाइटविंग मार कुछ भी नहीं है। मार 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 नाइटविंग इनको। अच्छा मेरे ये चीज जल्दी मार दे भाई। ओए ले गया सारों को यार। 9 फीट डिफेंडर सिंडिकेट थग्स दोनों मार दिए हैं भाई एक ही शॉट में। भाई क्या खा रहे नाइटविंग भाई इतना तेज। क्रेजी पैल्स अफेयर्स मिले हैं। गोस्ट गोल्ड कॉइंस हमें काफी ज्यादा मुझे लगता है कि कोई आएगा कोई अच्छा पोकेमोन आएगा। फाइट शाइट आई थिंक ये होने वाली है। पर ये कितना बड़ा डंजन है भाई। इधर आई थिंक अभी कुछ भी नहीं है। बजड़ी के और वो खड़े हैं और यहां देखिए रेड रेड से क्या लगा हुआ है। आई थिंक जा इनको मार और मार मार नाइट मार। चल चल भाई जल्दी ये एक ही शॉट पे चले जाएंगे। इसको तो मुफ्त में मार देंगे। ओ अंदर नहीं जा सकते हम। वो ग्लिच हो गया ये चीज। मर जा भाई। ओ आ गया भाई। ओ गया ये चीज नाइटविंग आ जा। ओ ये क्या है? ओ देख ओ नया पैल है कोई फडलर। इसके लिए नाइटविंग को नहीं बुलाते, छोटे वालों को बुलाते हैं
बट अभी हम पैल से फिर जाया नहीं कर सकते। नहीं नहीं इनको बुलाते हैं, ये मारेंगे इनको। हाँ फिर हम कैप्चर करेंगे, हम इसको कैप्चर करेंगे। ये क्या मार क्यों नहीं रहे थे? अब मारेंगे। मारो मारो। ओए नाइस नाइस। अभी नहीं अभी नहीं, अभी टाइम है। नहीं अभी भी नहीं। बस 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 नहीं कैप्चर होगा। अबे वो पूरा मार देगा, हो जाएगा कैप्चर। नहीं होगा। एक आधे को हम खुद मार देते हैं इसको हेल्प लो करने के लिए। चल आजा आजा भाई आजा आजा प्लीज आजा आजा आजा। नहीं वो ओए भाई ये क्या कर रहा है? आजा। नहीं होगा अभी भी। आजा आजा प्लीज प्लीज प्लीज। आ गया आ गया आ गया। ओ हम क्यों मर गए? दूसरे वाले ने हमें मार दिया। फिर से हमारी वो चीजें आइटम ड्रॉप हो गए। हम जल्दी से जाके रिस्पॉन होके यहीं पे आएंगे और इधर से अपने आइटम उठाएंगे। सो रहे हैं हम। टाइम और हो गया नेक्स्ट डे। कम ऑन टाइम टू गेट अप। ये बाहर मुर्गे मुर्गियां बोल रहे हैं। अब जरा ला के हम पता क्या चीज चेक करते हैं। न्यू ऊपर जो पोकेमॉन पकड़ा है इसको पोकेमॉन वो इसका अटैक काफी ज्यादा है, इतना ज्यादा नहीं है, छोटा ही है थोड़ा अटैक। आई थिंक फर्स्ट वाले से या थर्ड वाले से पेंगुलेट से हम एक्सचेंज कर लेते हैं इसको। तो ये हमारा काम कर सकता है, इसकी जगह पे रखते हैं। ये कुछ भी नहीं कर रहा बेचारा, इसको लगाओ काम पे। चल भाई तू काम पे जा। वो देख ये क्या करेगा, जाते साथ ही गैदरिंग। वो वुड गैदर कर रहा है बहुत आला। ये फिर हमारा उस जगह पे काम कर सकता है पता है। आई थिंक बाहर जाके देखते हैं हमारे वुड्स वगैरह भी कुछ गैदर इन्होंने की है कि नहीं, वो भी कलेक्ट कर सकते हैं। वो तो ये सारे इधर डालते हैं ना, इस बॉक्स में लाके डाल देते हैं। वो देख वोल्ट जाके बेस में देखते हैं क्या रिक्वायर्ड बेस अपग्रेड के लिए। बेस अपग्रेड करें हम लोग अपनी। बेस अपग्रेड के लिए हमें चाहिए पहले तो ये देखें, ये यहाँ पे है ना, हमें क्या चाहिए बेस अपग्रेड करने के लिए? बिल्ड हाई क्वालिटी वर्क बेंच चाहिए और मेडिवल मेडिसिन वर्क बेंच चाहिए। तो उसके लिए हम टेक्नोलॉजी में जाएंगे। पहले ये चेक करो कि हाई क्वालिटी वर्क बेंच ये है, हमें लेवल 11 अपना करना पड़ेगा और लेवल 12 बल्कि मेडिवल वर्क बेंच जो है वो लेवल 12 पे है, तो हमें अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा सबसे पहले तो हम टेक्नोलॉजी में भाई कोई चीज़ अनलॉक करें जिससे हम उनको मार तो सकें। अच्छे वाले एरोज, फायर बोल्ट, फायर बोल्ट एरोज बना सकते हैं हम फायर वाले, और हम ये नहीं बना सकते पॉइजन वाले एरोज, लेकिन हम ये वाला ये बना सकते हैं थ्री शॉट बोल्ट। इसको बनाते हैं, हमें लकड़ी चाहिए। लकड़ी हम यहाँ से जाके कलेक्ट करते हैं, अपने ले सकते हैं, काफ़ी होगी। काफ़ी नहीं है, चार ही है। ओहो अब मैं आई थिंक खुद काटनी पड़ेगी। इधर से वर्क करें, मेरे ख्याल से इनफ लकड़ी है। अब हम चलते हैं बेस में जाके देखते हैं क्या बिल्ड करना है हमने। हमें बिल्ड करना था अपना ऊपर। पहले टेक्नोलॉजी में हमें जाके ये खोलना है, वो थ्री शॉट बोल्ट। इसके लिए दो टेक्नोलॉजी पॉइंट्स चाहिए और ये हमने अनलॉक कर लिया है। दूसरा हम पॉइजन एरोज नहीं खोल सकते, पर हम फायर एरोज खोल सकते हैं। फायर एरोज खोल ये अनलॉक कर लेते हैं। चलो अब लग जाओ क्राफ्टिंग, इनको बिल्ड करते हैं, अपना बनाते हैं, स्टार्ट प्रोडक्शन करते हैं। आ जाओ कोई हेल्प कराने, काफी टाइम ले रहा है ये। अच्छा आ रहा है हमारा, आ रहे हैं वर्कर्स, आएंगे तो जल्दी हो जाएगा। आ जाओ सालो, किधर हो? मुझे तो हेल्प कराने आ जाए। ठीक है यार, हमारा आर्मर भी डैमेज है, मैं वो अपग्रेड करना चाहिए। हाँ वो तो हम अपग्रेड करते हैं, इसको बुलाते हैं, नाइट विंग काम कराएगा साथ। नहीं करा रहा ये क्या है यार, काम ही नहीं करवा रहे लोग। नाइट विंग तू वापस आ जा। ये आ गया आ गया। ओ ये चीज़ एक तो आ गया हमारी हेल्प के लिए। नाइट विंग ने कहा मैं नहीं काम कराता, खुद करो, मैं उड़ने वाला हूँ। यार पहले तो अच्छा नहीं, वो सारे अपने देख अपने काम में लगे हैं। हाँ, ना वर्किंग कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें खुद करना पड़ेगा। बिल्ड हाई क्वालिटी वर्क बेंच चाहिए हमें। एक हाई क्वालिटी वर्क बेंच से हम हाई क्वालिटी चीजें बना सकते हैं या जल्दी बनेंगी चीजें जो ज्यादा जल्दी आए। टाइम नहीं है हमें हमारा, सबसे पहले वर्क बेंच बनाना है।
लेवल अप करना है सबसे पहले। अच्छा ये आ गया हमारे पास, अब हम पॉइजन एरोस बना सकते हैं। कितने मैक्सिमम बना सकते हैं? 3। चलो इसको भी बना लेते हैं जल्दी से। हमारे एरोस कंप्लीट हो गए और अब हम दूसरे वाले एरोस बना लेते हैं। उससे पहले आई थिंक वो काफी देर से वो दे रहे हैं आर्मर अपग्रेड का, वो कर लो, हील कर लो। ये हम ये बना लेते हैं। यस ओहो, एक हमारा पहल ऑन अ शॉर्ट ब्रेक है, थक गया भाई। अब हम कर लेते हैं चीजें रिपेयर जल्दी से। ये एक्स रिपेयर हो गई, आर्मर ये हम लेफ्ट वाला आर्मर चाहिए हमें, कर लिया है ये भी कर लिया। ठीक है दूसरा मैं सोच रहा था, अबे जल्दी बोल कल सुबह हम टेक्नोलॉजी से जल्दी से अपनी एक शील्ड भी, कॉमन शील्ड भी बना लें, क्योंकि शील्ड जो है वो बड़े काम की चीज है। पैरडेक में वो जो था अपना साइन लगा लेते हैं और ये पैराशूट भी बना लेते हैं, ताकि हम आराम से ट्रैवल वगैरह में हमें कोई मसला ना हो। अब रेसिपी देख लेते हैं, ये शील्ड तो आराम से बन सकती है। कौन शील्ड हमें अपनी मिल गई है, एक्वायर कर ली वाली क्या था? तो हमने पैराशूट बनाना था। ओ पैराशूट भी इजीली बिल्ड हो रहा है, ताकि हम ऊपर से नीचे हाइट से नीचे आराम से ग्लाइड करते हुए उतर सकें। भाई साहब हम हो गए हैं अब रेडी, पैराशूट ग्लाइडर भी आ गया, शील्ड भी आ गई हमारे पास, वेपन्स भी आ गए। एक्सेसरीज में हमारे पास कुछ नहीं है जो हम रख सकते हैं। फूड, फूड में तो हमारे पास बहुत कुछ है। फूड चलो ये देखो हमारी बो चेक करो यार कितनी बड़ी है। अच्छा अब हम चलते हैं पैल डेक में, तो हमारे पास काफ़ी नए चीज़ें नज़र आई थी। ये नए पोकेमॉन्स थे जो हमारे इर्द गिर्द थे, जो हमें नज़र आए थे पर हमने पकड़े नहीं। वो देखो ये देखो मिनी हाथी, ये खिला मारी आओ माओ, और ये माओ क्रेस्ट ये हमें मिला था ना। यस मार ही नहीं सकते इसके लिए हमें टाइम चाहिए होगा। ये हम यूज कर लेते हैं जल्दी से। यस हेल्पफुल हो गई है, तो हम जरा हंटिंग करते हैं जाके, हम देखते हैं जाके और क्या क्या है। यहाँ पे भी एक टेलीपोर्टेशन शो कर रहा है यार, इसको भी पकड़ लें। यस आई थिंक ये डियर भी हमें कैप्चर करना चाहिए, पर ये दो हैं दोनों अटैक करने लग जाएंगे हम पे। ओ हो भाई हमने तो कुछ किया ही नहीं, वो ऊपर वाले को पकड़ सकते हैं ना। यस आजा, ओए हेल्थ किधर? नहीं हेल्थ नहीं गई बट उसको बुला लेते हैं। शील्ड गई हमारी। यस आई थिंक मार जरा इसको, होश जरा ठिकाने लगाई। ओए होए होए बस बस उसको वापस बुला ले, वापस बुला ले तो अपने पैल को। यस पे कैप्चर करते हैं, पकड़ा जा प्लीज पकड़ा जा। ओ यस कैप्चर हो गया, कैप्चर हो गया, हो गया हो गया। यस भागो, अब भागना है हमें यहाँ से, निकलना है। यस हम दूसरे वाले से लड़ ही नहीं रहे। मैप एक्सप्लोर ज्यादा नहीं यार, कुछ ना कुछ होगा डंजन में, आपको वो भी तो मिलेंगे। ओहो पूरा मार दिया हमने, सॉरी हम पकड़ना चाह रहे थे पर हमने पूरा मार दिया बेचारे को। मुझे ये नहीं पता था इतनी लो हेल्थ होगी इसकी। अच्छा ये नई नई जगह आ गई है यार। ओ ये क्या है, ये नई जगह है और दूसरा पोकेमॉन्स भी नए टाइप के हैं। ये देख लिफ्ट मंक, पकड़े जाओ जरा आ जाओ। यस कैप्चर हो जा, कैप्चर हो जा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यस आ गया। ओ भाई ओ ये क्या है, अब आएगा तेरी ऐसी की तैसी। आ जा तमीज से आ जा, अब इससे ज्यादा मारा तो मर जाएगा तू। आ जा जिंदगी प्यारी है उसको। आ गया आ गया। ओ हम लेवल अप हो गए, लेवल 11 हो गए। ऊपर कैसल पे जाते हैं उनके थ्रू ब्रिज के। हमने क्या देखा था, हमने मैप पे पोकेमोन था, वो एक और वो भी मिल गया हमें, फास्ट ट्रैवल की हमें स्पॉट मिल गया और पैल सफेयर भी पड़े हुए रास्ते में। पैल सफेयर भी मिल गया हमें, यहाँ पे लैम्प बॉल घूम रहे हैं तो ये जगह इजी है। वो इसको भी पकड़ते हैं बंदर को, टेंजे एक शॉट और मार सकते हैं। यस चलो आजा भाई, ये तो हो जाएगा इजीली कैप्चर।
आजा बंदर के बच्चे आजा आजा। यस आ गया आ गया। अच्छा, वो कहाँ पे गया हमारा? किधर है वो फास्ट ट्रैवल? आई थिंक ये ऊपर था ना, ब्रिज पे था। ओ ये रहा। ये रहा, घूम रहे हम लोग हर जगह। न्यू पैर कैप्चर, एक हो गया। जितने पैल्स पकड़ेंगे हमारी एक्सपी उतनी जल्दी yes. बढ़ेगी। और हमने फास्ट ट्रैवल भी अभी इधर हम इधर आके एक्सप्लोर करते हैं। ये हमने इसके पास जाना है ना, इधर ही जा रहे हैं, इसी डायरेक्शन में है ये। एक अच्छा पोकेमोन, हमेशा कोई अच्छा या बड़ा पोकेमोन ही वो मैप पे इस तरह शो करते हैं मेरे ख्याल से, वरना ये नॉर्मल वाले भी शो हो रहे हो। ये आ गए हम कासल से। पैल्स तो फिर पड़ा है पीछे। वो देख, इसके लिए हमें वो चाहिए। वाला भी पकड़ लेते हैं। टीफेन। ओह क्या परफेक्ट शॉट लगी है, तो आ गया 100%। अब इसको हमने कैप्चर करना है। इसके लिए इसको बुलाते हैं नाइट विंग को। ओ ओ भाई जान, सीरियस हो गए आप तो। नाइट विंग जरा बताएं इसको। ओ भाई साहब, ये तो इजीली कैप्चर हो जाएगा, बट जल्दी से बुलाना नाइट विंग को वापस। नाइट विंग को बुलाने हमने। बुला लिया। 36 आजा भाई। नहीं, ये नहीं कैप्चर होगा, इसको एक शॉट और चाहिए। आ जाएगा ये। नहीं आएगा। एक शॉट और मारने, अब कैप्चर कर सकते हैं इसको। यस आजा भाई, ना मार हमें बिल्ला बचा का। आजा अच्छा बला दुम्बा है हमारा। आ जाएगा। ये चीज, ये कैप्चर कर लिया। वो देख, हम बिल्कुल उसके ऊपर खड़े हैं। कहाँ है भाई? मैप पे चेक कर। वो रहा। ओए ये था शैलर भाई, इसको चेक करो। साले को बम से उड़ा दूंगा। क्या चीज है भाई, लेवल उस 1411 है, बॉस है। उसको नाइट विंग को बुला ले। ठीक है, हम एरोस कैसे चेंज करेंगे? एरोस कैसे? थ्रो पैल, समन, कमांड पैल। नाइट विंग हमें इधर चाहिए होगा, इसकी के हेल्प बहुत जरूरी है। और इसको पकड़ना है हमने ब्रो। yes. इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा है ना। यस yes. तो ये हमें पकड़ना है। पहले हम मेगा सफियर भी रख लेते हैं। दूसरा हम इसके एरोज कैसे चेंज करेंगे हम? फायर एरोज कहाँ पे हैं? आई थिंक उसको उसी एरो के थ्रू पकड़ सकते हैं हम लोग अभी। ये एरो हैं, फायर एरोज ये हैं, इनको समझ नहीं आ रही मुझे, पर खैर ठीक है ट्राई करते हैं। नाइट विंग, क्या नाइट विंग, जरा इसको बता। चलो भाई साहब, तो बचना होगा, अभी कोई चीज़ हमें अटैक करेगा लाजमी। ये तो इजीली कैप्चर हो सकते हैं यार नाइट विंग के जरिए। चक्कर काफ़ी। ओ भाई मेरी शील्ड तोड़ दी इसने। नाइट विंग यार बड़ी हेल्प कर रहा है हमारी। देख उसका डैमेज कितना दिया उसको उसने। ऑलमोस्ट डन। ओ बहुत आला। एक शॉट और, फिर अपने वापस बुलाना है इसको अपने नाइट विंग को, ताकि हम उसको कैप्चर कर लें। वो हमारा एरो खत्म हो गया। बस ठीक है वेट नाइट विंग को बुलाना है। फायर एरो हम फायर बोल्ट के जरिए ही मार सकते हैं। एक थोड़ा सा और बस। ओ शिट, ओई हमने किल कर लिया। टेक्नोलॉजी पार्ट। अब यहाँ पे हमने क्या करना था, पहल बॉक्स में पहले तो हम टेक्नोलॉजी में वो अनलॉक करें जो चीज़ हमारे लेवल बढ़ाएगी। ये वर्क बेंच। यस। ओ पिकैक्स भी अच्छी वाली, मेटल एक्स और पिकैक्स भी आ गए हैं। ये भी ज़्यादा कर लेते हैं इसलिए क्योंकि लिफ्ट मंग सब मशीन गन। ओ वाओ, वुडन गेट, काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं यार हमें इधर। यस पर अभी नहीं, पहले और आई थिंक जो चीज़ें मेन रिक्वायर्ड हैं वो हम पूरी करते हैं। यस बिल्ड में हमें पैल्स अपने सबसे पहले चेंज करते हैं जाके। हाई क्वालिटी वर्क बेंच के लिए नेल्स चाहिए, इनगॉट चाहिए और तो मिल जाएगा। इनगॉट कहाँ से मिलेगा? इनगॉट भी मिल जाएगी, वो जो ऑर वगैरह नहीं था उससे मिलता है। ओ उसको जब आप इधर डालते हो ना, ये देख फर्नेस में, ये इनगॉट एक्वायर्ड, समझ रहे? ओ तो इन गॉड 8 हो गई हैं। इधर हमें और वो डालना पड़ेगा, आयरन नहीं, वुड नहीं, और चाहिए हमें और मेमोरस। काफ़ी चीज़ें कैप्चर हो गई हैं, बॉस फाइट वगैरह। अब हमारा एम है मेमोरस को ना मारने का। लेवल 38 मेमोरस, इसको पकड़ लेते हैं यार मारने के बजाय, ये फाइट में काम आ सकता है।
डायरेक्ट लेवल 38 आई थिंक हमें फास्ट ट्रैवल करना चाहिए फिर जल्दी से उधर. हाँ पहले हम उसको एरोज एरोज क्रिएट कर लेते हैं और एक मिनट को कैंसिल करते हैं. एरोज ज्यादा से ज्यादा पहले बना लें. यस कितने मैक्स बन सकते हैं? ब्रो लेट्स गो. उसको तो हराना था ना. यस तो हरा के कुछ रिवॉर्ड भी तो बड़ा ही मिलेगा ना. चलो हो गया कैप्चर. अब जल्दी से चलते हैं. चीजें हमारी वेल की हम चलते हैं. फास्ट ट्रैवल करते हैं डायरेक्ट मेमोरेट को पकड़ते हैं के पास. सो मेमोरेस्ट को पकड़ने पहले हम हंग्री हैं. चाहिए खाने के लिए बेरीज खाते हैं. यस थोड़ा सा बीफ खा लेते हैं और इसको भी खिला देते हैं. यस नाइट विंग हमारे ज्यादा इसको चाहिए. ओहो ये रहा मेमोरेस्ट भाई. इसको तो पकड़ लेंगे यार बच्चा. स्लाइड भी मार सकते हैं. ये चेक मेमोरेस्ट आ रहे हैं हम. ओ भाई 4000 सही है सही है. मर जाएगा. हमें नाइट विंग चाहिए सबसे पहले. नाइट विंग आ जाओ. चलो भाई एक हेल्प. ओ हमें नहीं नाइट विंग हेल्प करेगा. हमें बचना है बस. ओए ये तो नाइट विंग गया भाई. ओ भाई वापस बुला ले. भाग जा यहाँ से. ये तो कुछ और नहीं मार सकते हम. भाग 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 मार देगा हमें. वो पैराशूट खोल ले. उल्टा पैराशूट है. ओ बच गए. पैराशूट खोल भागे हम लोग यहाँ से. इसको हम इधर रख के मार. नहीं नहीं आ जाएगा. ओ भाई भाग. फंस गया. नहीं फंसा. आ गया. हमें मार देगा वो. चलो 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 जल्दी 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 जल्दी. ओ भाई जान ये पीछे ही पड़ गया हमारे. गलती हो गई. नाइट विंग को एक शॉट ग्लिच हो गया. नहीं नहीं ग्लिच नहीं होगा. भाग दूसरा ट्राई करते हैं. कोई और इसको मार सकता नहीं मार अपनी सकता. तरफ लगाएगा तो हम भाग सकते हैं ना दूर पे उनको यार. उसकी हेल्थ ही नहीं गई. लैंप बॉल क्या कर रहा है. तुमसे ना हो पाएगा. पैराशूट निकाल और यहाँ से निकल जा. वो लैंप बॉल की तरफ जा ही नहीं रहा. पैराशूट निकाल के किधर निकलूं. यहाँ से हम जा नहीं सकते. ये गहरा पानी है यहाँ पे. अभी तक नहीं जा सकते. चल जाएंगे. ये क्या है. हाईली अपग्रेडेड वेपन्स चाहिए. पेंगुइन की साइज से एक लेवल 4 है पर साइज देख इसका. इसको पकड़ लेते हैं भाई. कोई चीज छोड़ इस पे जरा. कोई अपना पैल की हेल्प ले. ओए पैल चाहिए हमें भाई. इनके पास फायर है. नहीं ये वो नहीं मार रहा. मेमोरस मार रहा हूँ हमें मुझे लगता है. नहीं नहीं मेमोरस तो दूर है. आई थिंक कैप्चर करना चाहिए. बस 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 50% आ जा. ये चीज कैप्चर हो जा भाई. कौन मार रहा है. ओ भाई और वो कैप्चर हो गया. यस निकलो 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 क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी वगैरह तो अनलॉक हो गई है. अब हम बेस का लेवल अनलॉक करते हैं. मेमोरस का हमें पता लग गया कि भाई हमसे ना हो पाएगा अभी. ये देखो फायर वाले की जगह इसको लाए या इसकी जगह लाए. इसकी जगह ले आते हैं. यस डियर भी आ गया हमारा. ये बोर्ड इकट्ठी कर सकता है. अभी जो हमने पकड़ा है पेंगुलेट. पेंगुलेट इसको तो हम अपने पास रखेंगे. यस पर ये लेवल 4 है ब्रो. हो जाएगा अपग्रेड. माना लेवल 12 है. इसको यहाँ रखते हैं. वो देखो कितना बड़ा. ओ भाई साहब ये तो बहुत हेल्प कराएगा बेसनों की. पानी वगैरह ज़्यादा स्पीड में दे सकता है. ये अच्छा अच्छा. और क्या कर सकते हैं हम. ये क्या कर. ओ ये बहुत काम की है भाई. इसको यहाँ पे रखो. इसको यहाँ रखो. आई थिंक बेस में देखते हैं अभी हमें और क्या चाहिए अपग्रेडेशन के लिए ताकि हम. हमें ये बिल्ड करना है. मटेरियल वगैरह नहीं है. मटेरियल्स हमें इनगॉट चाहिए. वुड चाहिए और नेल्स चाहिए. मिल गया यार. काफी ज्यादा इनगॉट मिल गया. नेल्स हमें कहाँ से मिलेंगी. नेल्स हम बनाएंगे. ओ ये पड़ी हुई है ना नेल्स. नेल्स हमें कितने चाहिए. ओ इसके लिए इनगॉट भी चाहिए. बस चाहिए ठीक है. पहले नेल्स 10 पूरे कर लेते उसके बाद इनगॉट का मैं बताता हूँ कैसे ले सकते हैं हम. वुड तो हमें मिल जाएगी. वुड तो हमारे साथ ही लगी हुई है. यहीं से तोड़ लेंगे. और ये कंप्लीट हो चुका है. और ये हमारे पास नेल्स आ गए. यस अब मैं आपको इनगॉट चाहिए. आई थिंक हमें पहले फास्ट ट्रैवल करना है. पहले हम वुड लेंगे. फास्ट ट्रैवल क्यों करना. ओ फास्ट जो नाइट स्किप करनी है. यस सोना है हमने. यस रात हो गई. हम देखो कितनी मेहनत करते हैं कि रात को भी काम. काफ़ी वुड आ गया हमारे पास. अब हम चलते हैं ज़रा सुबह उठ के. हमने
इन गॉड का तरीका मैं आपको बताता हूँ कैसे मिलेगा। आपने आयरन और इकट्ठा करना है और को फर्नेस में इन गॉड बनाना है। लेट्स गो। ओ उठा लिया मैंने इसको। नो वर्क अवेलेबल इन इमीडिएट। ओहो स्विचिंग टू ऑटोमेटिक वर्क मोड। ओके अब हम सबसे पहले इन गॉड के लिए जा रहे हैं। कितनी लकड़ी इकट्ठी की हुई है भाई साहब, काफी कुछ दे दिया हमें। ये है हमारा ओर बस। चलो वेट हमारा फुल हो गया, अब इसको जाके जरा अपने इन गॉड बनाते हैं। फर्नेस में रखेंगे। फर्नेस में रखने के बाद ये इन गॉड में तब्दील हो जाएगा। और ये हमारी फर्नेस लगी हुई है, इसमें रखेंगे हम 31। मैक्स करनी है ना हमने, बस ठीक है। मैक्स 15 है और अब वो आएगी हमारी आग वाला। कहाँ गई वो, किधर है भाई? आ जा। आई थिंक दूर गई हुई थी कुछ चीज। ये आ गया ये बना। अच्छा, अब हम चेक करना है इन गॉड कितने बनते हैं। अच्छा 15 चाहिए हमें और 3 हमारे पास अवेलेबल हैं, और हमें वुड भी चाहिए ना। जब तक हम वुड जमा कर लेते हैं तो ये वुड ला रहा है। दे दे भाई वुड, दे 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 दे। जा भाई जा, रख ले जा रखने। वुड चाहिए सबसे पहले हम ट्रीज के पास जाके वुड कलेक्ट करें। लैम्प बॉल तो वैसे ही बेचारे फेर रहे हैं इधर। लैम्प बॉल जहाँ फेर रहे हो वो सेफ एरिया है भाई। अभी तक हमारा ये बॉस वाला रहता है क्योंकि हम बॉस को चैलेंज नहीं कर सक रहे। मेरे ख्याल से कर भी नहीं पाएंगे इतनी जल्दी। यार हमें ये डियर ये जो है ना ये फाइट में रखना चाहिए हमें, इसके अटैक्स बहुत अच्छे हैं। हाँ तो इसको इधर से हटा देते हैं, वो इसको इधर से हटा देते हैं पैल बॉक्स से और अपने साथ लेके जाते हैं। कैट बीटा को इधर रख देते हैं और इसको हम अपने साथ रखेंगे। ये चलो आइस के काम आती है इसके। इनके काम देखो नीचे लिखे हुए हैं, करंट टास्क ये क्या क्या कर सकती हैं। ठीक है ये पानी दे सकता है, ये पौधे उगा सकती है, सबसे काम का ये है, ये देख सब कुछ कर सकता है। yes. वो देख रहा है मोस्टली। इसको रख लेते हैं फिर। आई थिंक दो है ना नीचे हमारे पास, एक रिप्लेस कर, तीन है हमारे पास पिंक वाले। हाँ इनको रिप्लेस करते हैं, इसको रखते हैं। एक और भी हमारे पास पिंक वाला है, दो है उनको भी रिप्लेस कर देते हैं एक के साथ, कोई अच्छा बंदा रखते हैं। ज़्यादा काम कौन कर सकता है, तो बेसिकली हमें बेस के लिए फिर इनको ज़्यादा पकड़ना चाहिए ना। जितने ज़्यादा टेंजीज हमारे बेस में होंगे उतनी ज़्यादा हमारी बेस केपेबल होगी ज़्यादा काम करने। यस वो देखना हार है। वो चेक करो ये रेस्ट मोड पे है भाई। ये फुल टाइम ये सुकून। ठीक है ये वुड जमा कर रहा है, वो देख टेंजी भी वुड जमा कर रहा है, देख रहे हैं। अच्छा हम वहाँ चल के देखते हैं भाई इसने कितनी आग लगाई है। इन गॉड उसने बना दिया हमारे लिए। वाओ एक्चुअली हम इसका प्रोसेस तेज कर सकते हैं, अपना भी फेंक दो नीचे। चलो 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 आई थिंक हो गया हमारे कंप्लीट। वो चला गया है, वो रेस्ट दिया मैंने थोड़ा सा। चलो आई थिंक कंप्लीट हो गए हमारे इन गॉड और हम अपना वर्क बेंच अपग्रेड करें जाके। इस करने चल जा। ओ ये हंगरी है। अच्छा वर्क बेंच लेट्स गो। हमारा एडवांस वर्क बेंच बन रहा है, हम कहाँ रखेंगे, यहाँ रखते हैं। यस पीछे भी रखते हैं इसके। और ये एक न्यू एडिशन और ये हमारे अलग से रखते हैं ना थोड़ा स्टाइल करके, या यहाँ करके रखे। हाँ इधर पीछे रख लेते हैं। अब इसको आ जाओ भाई सारे आ जाओ सारे आ जाओ। ये चीज आ रहे हैं, काम हो रहा है। वो देख ओए हो गया, बहुत जल्दी किया यार इन्होंने। नाइस पॉइजेस लेट्स गो। अच्छा हमें नेल्स चाहिए, अब हमें क्या चाहिए? नहीं ये तो पूरा हो गया राइट। अब हमें जो वो था मेडिसिन उसकी चीज़ें पूरी करनी है बेस अपग्रेड के लिए। हाँ मेडिवल मेडिसिन चाहिए, उसके लिए क्या चाहिए? पहले तो उसको अनलॉक करेंगे हम टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या क्या है? वो टेंजी राइफल असॉल्ट राइफल हाउस प्लांट। ओ ये भी एंशियंट पॉइंट भी आ गया हमारे पास यार। हम ये लेते हैं ना एग इनक्यूबेटर एंशियंट पॉइंट से। कितने चाहिए? क्लोथ चाहिए और पैल्डियम चाहिए। लेट्स गो। मतलब हमारे पास अब आ जाएगा वो और हम साथ में मेडिवल
मेडिसिन को इसको अनलॉक कर लेते हैं, ठीक है। ग्रैपल गन भी है, स्मॉल फीडबैक भी है, ये जरूरी है। एग इनक्यूबेटर बहुत जरूरी है क्योंकि इससे ऑसम किस्म के हम वो कर सकते हैं। तो हमें चाहिए इसके लिए कहाँ गया वो पैल्डियम चाहिए हमें इसके लिए। इसके लिए हमें चाहिए पैल्डियम और क्लोथ्स। क्लोथ्स हमें मिलेगा यहाँ से। दो क्लोथ्स चाहिए हमें। क्लोथ्स हम इधर से ले सकते हैं। दो चाहिए ना, चार बना लेते हैं, पांच बना लेते हैं। वो दे, स्पीड देख भाई यार, क्या बात है। अभी उनके बगैर ही ज्यादा स्पीड हो गई है क्योंकि बेंच अच्छा हो गया ना हमारा, और हमारी हमने अपनी भी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाई है। और अब हमें पैल्डियम चाहिए। पैल्डियम कहाँ से मिलेंगे? टेक्नोलॉजी में अब हमें चाहिए पैल्डियम। चार पैल्डियम्स चाहिए। पैल्डियम निकलते हैं वो उससे, तो जो पत्थर नहीं है। यस, ये नीचे पड़े हुए हैं, पड़े हुए। एग इनक्यूबेटर लाते हैं और अपने एग्स को बिल्ड करते हैं, शुरू करते हैं पोकेमॉन्स को बढ़ाना, ब्रीडिंग होंगी शुरू करते हैं। बहुत आला, पैल्डियम्स हो गए हमारे पास कट। चलो हो गए पूरे? हाँ पूरे हो गए हैं, चलते हैं चेक करें। स्टोन्स चाहिए हमें। स्टोन भी चाहिए। स्टोन हम उधर से उठा सकते हैं अपने। हाँ उधर पड़े होंगे, काफी है। कैसी हस्ती खेलती बेस लग रही है हमारी, मतलब क्या पानी देख कैसे दे रहे हैं, क्या बात है। यहाँ से ले लेते हैं हम स्टोन्स। 269 स्टोन्स है भाई, इतने तो हम ले भी नहीं सकते। वो देख ओवरलोड हो गए, वो देख चल नहीं सकते। ओ भाई वापस करो इनको, रख दो थोड़े से स्टोन्स। टेक हाफ, हाफ जो है मूव कैसे करेंगे ये। यस अभी भी बहुत ज़्यादा है, इसका भी हाफ ले ले। हाँ एक हाफ, मेहरबानी भाई, इतने स्टोन उन्होंने इकट्ठे किए हैं, पागल हुए हैं स्टोन इकट्ठा करके। पीछे है ना पैल्डियम एग इनक्यूबेटर, ये टेक्नोलॉजी में खुलेगा। ये राइट पे ये चीज, ये खुल गया हमारा एग इनक्यूबेटर। अब इसको हमने बनाना है मेरे ख्याल से। यस हमने बिल्ड करना होगा। नहीं इधर तो नहीं है वो, इधर आएगा ये। ये चीज एग इनक्यूबेटर आ गया है हमारा, इसको किधर प्लेस करें? ये वो फिनिश के पास रखते हैं ना, आराम से ये निकले। यहाँ रखते हैं भाई, आग के पास यहाँ रखते हैं। चलो भाइयों आ जाओ जल्दी जल्दी, जल्दी आओ, जल्दी आओ बेटा, आग में ना जाना। जल्दी बिल्ड हो रहा है, हो रहा है। ओ देखो फुल स्पीड से। यस और ये हमारा आ गया एग इनक्यूबेटर। अब इसमें हम एग डाल सकते हैं। कौन सा स्कॉचिंग एग डालें, डैम्प? ये फायर वाला डालते हैं ना, इससे कुछ अच्छा मिलेगा हमें। चलो आ जाओ स्टार्ट हो जाओ। ये देखो अब ये शो कर रहा है 6 मिनट में ये इसको निकाल देगा हमारे पैल को, ठीक है। अब हमने जाना है अगले उसके लिए। यूं आ गए हमारे पास सारी चीजें, तो अब हम जाके बिल्ड करते हैं अपना, हम अपनी बेंच ड्यूअल मेडिसिन वर्क बेंच बिल्ड कर सकते हैं। ये किसकी हो गया यार, ये नहीं समझ आ रही मुझे। मेडिसिन वगैरह के लिए हो गए, हीलिंग वगैरह के लिए। मेरे ख्याल से हम जो हील नहीं होते ना, हमारी जनरेट होती रहती है हेल्थ खुद ही, ये अब हील होगी हमारी। और ये हमारा कंप्लीट। ये चेक करो, लो ग्रेड मेडिसिनल सप्लाइज पैरीज और वो चाहिए, ये भी बना लेते हैं भाई। उसके लिए हम दूसरे एक्सट्रीम जो ज़्यादा बाकी अच्छे पोकेमॉन्स हैं वो पकड़ते हैं। ये आ गई मेडिसिन हमारे पास, अब हम जाते हैं ज़रा सोते हैं और सुबह उठ के हम बेस अपग्रेड का करेंगे। सुबह सुबह के टाइम पे जब कुकड़ू कुकड़ू हो रही होगी ये चीज। चलो बेस का टाइम हो गया, तो अब हम करेंगे अपनी बेस अपग्रेड। चलो ये हो रही है मैक्स पैल वर्किंग बेस, ये हो जाएगी। ठीक है ये लो जी, और लेवल 9। लेवल 9 इसमें मिशन हो गया हमारा मेन। इसमें अब हमने नेक्स्ट करने के लिए बिल्ड सफियर वर्क बेंच, ओ कूलर बियर्स के वर्क बेंच और कूलर बॉक्स, ये है अगली बेस के लिए। लेकिन अब हम एक और पैल भी इधर रख सकते हैं। कौन सा रखें? जो आई थिंक नीचे नहीं है वो रखते हैं ना, नीचे ये सेकंड लास्ट जो है ये नहीं हमारे पास नीचे। ये नीचे वाला, ये वाला, पर ये इतना काम नहीं कर रहा ना, फेंसेस को कर रहा है और पौधों वगैरह के लिए। वो जो है ऊपर
पर इसको हम इसकी जगह रख सकते हैं, ये सीट ज्यादा अच्छे से, देखो ओहो साइज देखो भाई उसका, ओहो ये नीचे जो कैप्चर किया था ना पोकेमोन दुम्बा है, उसको भी रख सकते हैं हम, इसको ये लेफ्ट जो ऊपर ये ये बर्फ का कुछ कर सकता है जो शो हो रहा करंट टास्क में, वो लगाए ना जो काम पे लगे हैं भाई, कौन रख सकते हैं यार, ट्रांजीज हमें और पकड़ने हैं भाई, हाँ वो बड़े काम की चीजें हैं यार, ट्रांजीज बहुत सारा काम कर सकते हैं आपका बेस में, इसको रख लें फिर, इसी को रख रख लेते हैं, चलो जाओ भाई ये देखो पत्थर जमा करने भाग गया पत्थर उठा के सर पे, अच्छा ये हो रही है हमारी बेस जनरेट, अब हमने क्या करना है नेक्स्ट क्या है हमारा, पहले हम जाते हैं सैंड, हमारा एग में वो भी तो आ गया है ये देखो, ओ इनक्यूबेशन कंप्लीट, कोई चीज निकलने वाली है भाई, एग क्या निकलेगा क्या निकलेगा, ओ एस्ट्रो एयरसॉक्स वाज बोर्न, तो हमारे पास कोई नया वो आ गया, चेक करते हैं इसको क्या होने वाला भाई, जल्दी से खोलो, हुई होए वो चेक कर भाई, ये देख भाई लेवल वन का है और ये फायर डबल स्पीड में कर सकते हैं, इसकी जगह इसको लाते हो, वो देखो हुई होए यार क्या स्टाइल है भाई, ये तो भाई बहुत कमाल होने वाला इसके है, लेवल अप करने है ना, अभी ये लेवल वन का है क्योंकि ऑब्वियसली हम कर रहे हैं, अब दूसरा एग लगा देते हैं इसमें, जब तक इस एग में से क्या निकलेगा, ये है डैम्प एग, समथिंग स्विम्स विद इन, पानी का कुछ निकलेगा, वाटर स्टाइल पोकेमोन निकलेगा, अच्छा। और एग एग लगे, ये 6 मिनट में हमारा ये भी हो जाएगा, सही है ये तो बहुत अच्छा हो गया भाई, अब हमारे पास क्या बचा पीछे, हमने जाना है फास्ट ट्रैवल के लिए, यस फास्ट ट्रैवल करके हम कहाँ जाए, मेमोरस को तो अभी हम नहीं मार सकते बिल्कुल भी, हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये बहुत ही ओवर पावर्ड पोकेमोन है, दूसरा ये जगह हमने देख लिया है, इधर चलते हैं और इधर से इधर एक्सप्लोर करते हैं क्या सीन है, और नहीं पहले हम उसी टनल में वापस जाएंगे क्योंकि वहां पे मुझे लग रहा है कोई अच्छा पोकेमोन होगा हमारे पास इस डंजन में, कहाँ गई डंजन, कहाँ गई, ओह डंजन गायब, ओहो हो हो, आई थिंक रात के वक्त तो नहीं ओपन होती, हाय जान ये क्या चक्कर है, आई थिंक रात के टाइम में ओपन होती है, नहीं यार पहले तो थी, अच्छा इसका मतलब है कि अगर इधर अगर आपको कोई डंजन नजर आए तो उसी वक्त उसके अंदर जाओ, पहली प्रायोरिटी, वो गायब भी हो सकती है बात में, ओके अच्छा अभी हम नई चीज को एक्सप्लोर करते हैं जल्दी, ये हमें नहीं पता था कि ये भी हो सकता है, इस साइड पर जाते हैं हम कहीं, अब हम इसको करते हैं, ओ वो देख पिकाचू स्टाइल का है, ओ वो देख लेवल 15, ये तो हम ये लाजमी कैप्चर करेंगे भाई, ये कैप्चर करना है भाई, बिजली वाला छोटा है पर बड़ा, ओहो एक और आ जा, भागता है ये क्या है, वाटर स्किल फ्रूट एक्वा गन, हमें कोई फ्रूट वाटर स्किल फ्रूट फ्रॉम योर इन्वेंटरी टू लर्न अ पैल स्किल्स, वो हम भी कोई पैल स्किल खा सकते हैं, ये फ्रूट स्किल क्या, ये वो वन पीस जैसा दे दिया, वन पीस में जो आप फ्रूट्स खाते थे उससे होता था, इसको भी पकड़ो, ये चीज अभी बड़े अच्छे अच्छे पोकेमॉन मिल रहे हैं यार, एकदम ही नए पोकेमॉन आना शुरू, आई थिंक ओहो ये नहीं कैप्चर हुआ, चल दोबारा दोबारा दोबारा, ओ पैल सफियर ही नहीं है यार, पैल सफियर चाहिए हमें, ये देख कितने ज्यादा है, वो कहां है पैल सफियर्स, कहां से मिलेंगे यार, तुझे तो नहीं छोड़ूंगा भाई, ये रहा हमने गलती की टेलीपोर्ट होने से पहले, हमें पैल स्पीयर ज्यादा बिल्ड कर लेने चाहिए थे, पर ये आ गया हमारे पास, आजा आजा आजा, यस उसको देख बिला वजह के मुझे पिछली हम आ रहे, अब उसको हम कैप्चर करते हैं, ये कौन सा है वो देख विक्सी, नहीं ये इतना अच्छा नहीं है, रुक करने तो है ना ज्यादा ज्यादा, लेवल 15 वाले को पकड़ना है यार, उसको ही पकड़ते हैं पहले, इनको तो पकड़ते हैं, इसका फायदा नहीं है, आ जाओ छोटे पोकेमॉन उधर काम आते हैं, आपको कोई पता नहीं है अंदाजा कि कौन सा फायदेमंद निकल जाए, आ जाओ ए आ जा 77%, आ जाओ प्लीज 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 प्लीज, हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ हो जाओ, थैंक यू, यस आप, हमने पता है क्या करना है उसको, तो क्या मार है स्पॉट, ओ एक और एग, ओ ये चीज यार एग मिल गया हमें, ये हमारे बहुत काम आने वाला एग,
यार क्यों मार रहा है वो, छोड़ दे इसको, मिस करा दे यार, मार देते हैं इसको, बहुत ही चौड़ा होगा, इससे मिलेगा क्या आपको? इलेक्ट्रिक ऑर्गन मिला हमें, इलेक्ट्रिक ऑर्गन मिल गया ना ये, वो लेफ्ट पे चला गया है हमें। पहले अभी हमारे पास स्फीयर्स नहीं है, ठीक है, तो हमें पहले क्लोजेस्ट टावर देखना फास्ट ट्रैवलिंग वाला, ये 140-130 ऊपर जा रहा है। इस टावर से हम फास्ट, वो देख दो दो तीन तीन है डायनोसॉर्स, इनको भी पकड़ने की बहुत, इनको पकड़ते हैं पहले जाके जरा, नहीं 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 पकड़, पहले स्फीयर्स नहीं है ना, अभी था तो सही, नहीं खत्म हो गए, पहले हम जाएंगे और जाके बेस पर जल्दी से पहले ये अनलॉक करते हैं फास्ट ट्रैवल यहीं का, उसके बाद हम बेस पे जाते हैं और हम बेस पर जाकर वो करते हैं बनाते हैं। मारना नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा बेटा, अभी कुछ नहीं कह रहा, बाद में कहूँगा। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन, चलो भाई साहब जल्दी हमें फास्ट ट्रैवल करना, मतलब है। स्पाइडरमैन की कैपेबिलिटीज भी दे दी है यार इसमें, मतलब क्या ही लोग हैं ये, वो देखो डेसोलेट चर्च, चर्च भी आ गया, चर्च का नाम सुनते ही एल्डन रिंग ज़ेन में आ जाती है, इसमें क्या अंदर चर्च में, वो देख ये क्या है भाई, चेस्ट भी है, कॉपर की नहीं हमारे पास, और ये भी है लिफ्ट मंक एफपीजी एनहांस, एनहांस कर सकते हैं इधर पावर्स, पर कोई बात नहीं, ये भी वैसे अच्छी, जल्दी से हम फास्ट ट्रैवल करते हैं जाके, ये भी अच्छी जगह है बेस बनाने के लिए, क्योंकि फास्ट ट्रैवलर भी बिल्कुल साथ है और वो पीछे है ना फास्ट ट्रैवल। सर पहले हम जाते हैं, एक तो मैं, एक और प्लेयर भी हमने पकड़, एक और पोकेमोन भी बिना वजह का हमने पकड़ लिया है। मेजर इंजरी किसको आई हुई है, इसको मेजर इंजरी आई हुई है भाई, ये हील हो रही है, हो रहा हील। एग, एग हमने लगाया हुआ था ना, यस, ओ नहीं हमने सेट एग एक और किया ही नहीं था, किया था वो निकाल गया था ना वाटर वाला, यस। वेनम ग्लैंड, वेनम ग्लैंड हमें मिल गया, ये हमारे पास एक और वो आ गया, पैल, एक और पैल हमारे पास आ चुका है जो है ये डेड्री, और ये है विक्सी। अच्छा यहाँ पे जा गया हम, देखें यार हम स्ट्रॉन्ग कैसे होंगे, क्योंकि हम उस लेवल 15 वाले को भी हरा नहीं सके हैं। हम पैल को इनहेंस कर सकते हैं अपने मैक्स हेल्थ रिक्वायर्स, ये मैक्स हेल्थ इसकी बढ़ाए और अटैक डिफेंस बढ़ाए, अटैक बढ़ाते हैं, कोई एक चीज हम इसकी बढ़ा सकते हैं नाइट विंग की, क्या करें मैक्स हेल्थ या अटैक, अटैक बढ़ा लेते हैं आई थिंक, अटैक बढ़ाते हैं। स्मॉल पैल सोल यूज, अच्छा, और हम ये हेल्थ भी बढ़ा सकते हैं, कि पैल सोल्स इसलिए होती है। ओके वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे। अभी हम टेक्नोलॉजी में कहाँ पे पहुंचे हैं, और क्या चाहिए अभी हमें, और ये भी अनलॉक हो गया, हो गया ये भी, हो गया वो, ये नीचे जो चीजें रखी है क्रॉसबो, वो हम बिल्ड कर सकते हैं, ये वाला लेफ्ट पे जो था ना, नीचे 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 राइट राइट राइट, ये इसको बिल्ड कर सकते हैं। अबे ये ट्रेनिंग डमी है, इसको क्या करना है बिल्ड, जो चीजें बिल्ड करनी है, कूलर बॉक्स, यस कूलर बॉक्स चाहिए था, इग्नोर क्या चाहिए था, इनगॉट चाहिए, स्फीयर बेंच, स्फीयर वर्क बेंच पड़ा हुआ है, पैडलेक में क्या वो देख लेते हैं पहले, लोग क्रॉसबो भी अनलॉक करते हैं, क्रॉसबो बहुत जरूरी है हमारे डैमेज बढ़ाने के लिए, क्रॉसबो भी अनलॉक हो गया, चल इनगॉट चाहिए हमें, ओ यस हमने वो भी तो बनाना है ना, इसके लिए इनगॉट चाहिए ना, यस टेक्नोलॉजी के लिए, ये कूलर बॉक्स, कूलर बॉक्स नहीं, ये सबसे पहले तो ये मेटल पिकैक्स और मेटल एक्स के लिए इनगॉट चाहिए, और कूलर बॉक्स जो है उसके लिए भी इनगॉट चाहिए, तो सबसे पहले हम पिकैक्स अपग्रेड करते हैं,
उसके लिए हमें जाना पड़ेगा इनकोर्ट। पहले हमें वेट कम करना पड़ेगा बैग से। ये देख, ये क्या है? यूज वाटर स्किल फ्रूट। यूज ऑन हूम? यूज ऑन अ पैल टू टीच एक्वा गन। ओ सो जो हम पैल्स कैरी कर रहे हैं उस पर हम ये फ्रूट यूज कर सकते हैं और उसको अटैक। ये वाला वाटर ये वाला रखे अपने पास या हम ये बड़ा वाला रखे? ब्रो इसका सीन कुछ और लग रहा है ना। सर्फेंट को रखते हैं अपने पास। पैल मैनेजमेंट में जाते हैं। सर्फेंट को हम अपने पास रखते हैं। 12 को उधर लाते हैं और दूसरा और एक, ये एक और हमने पकड़ लिया था ना, वो भी उधर रखते हैं जो ज़्यादा काम कर सके। इसकी जगह पर रख देते हैं, इसकी जगह पर रखेंगे। ठीक है, अच्छा सर्फेंट हमारे पास आ गया है। अब हम सर्फेंट पे वो टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं इन्वेंट्री में, ये फ्रूट। अब इसने एक्वा गन सीख लिया उसने। अब हमें इनगॉट चाहिए बहुत ज़्यादा, राइट? सो हम फास्ट ट्रेवल करेंगे उस लोकेशन पे जहाँ पे इनगॉट है। इनगॉट नीचे ही था ना? वो तो ख़त्म हो गया था। वो 6 इनगॉट पड़ा हुआ भी है। 20 इनगॉट बना सकते हैं, लेट्स गो। ये बनेगा जब तक, तब तक हम देखते हैं कि हम कूलर बॉक्स बिल्ड कर लेते हैं ना। स्टोरेज कूलर बॉक्स के लिए इनगॉट और चाहिए हमें, और जब तक हम वह अपना वो बना सकते हैं। एग भी आई थिंक रेडी हो गया। मेटल पिकैक्स और मेटल एक्स बना सकते हैं। तो हम मेटल पिकैक्स की प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं ताकि हमारी पिकैक्स तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। पत्थर तोड़ने होते हैं भाई, अच्छी बात, मतलब मजदूरी करनी है, अच्छा वो होना बहुत ज़रूरी है। ये आ गई हमारी पिकैक्स। मेटल पिकैक्स को हम रखेंगे इधर और स्टोन पिकैक्स को हम रखेंगे जाके डब्बे में। और आई थिंक वो एग भी रेडी हो गया। एग को भी लेते हैं जाके। वो हमारा यस एग भी तो था। एक और वाटर टाइप पोकेमोन हमारा रेडी है। 3 एग्स निकाल चुके हैं यार हम एक ही एपिसोड में, और क्या चाहते हो? ओह सिलरे वॉज बॉर्न। अब ये कैसा है देखते हैं। इस पोकेमोन को इसकी जगह रखते हैं। ओह चेक करो भाई, नाइस। स्टारफिश थी क्या थी? नहीं स्टारफिश थी, सॉरी नहीं। इसमें कोर एग रख देते हैं आई थिंक। इस पे पहले हम वो तो करें, पिकैक्स भी चेंज करें अपनी। इधर से इनगॉट लेते हैं, ले लिया हमने। कूलर बॉक्स आई थिंक बना सकते हैं अब हम। ये एक्स पहले हम बनाएंगे, ये वाली मेटल एक्स प्रोडक्शन। अब देखना लकड़ियाँ और वो स्टोन कितनी जल्दी जमा होता है हमारे पास, और या जो भी चीज़ हम जमा कर रहे होंगे वो कितनी जल्दी जमा होगी, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा है। तो आपको इक्विपमेंट अपनी लाजमी अपडेट करनी है। हाँ इसको फर्नेस पे डालना था, सॉरी आई फॉरगॉट। मैक्सिमम 15 मिल सकती हैं, तो yes. ये हो जाएगा, हमें 15 मिल जाएंगे। वो पेंगू देख जो निकल गया घर से बाहर। आई थिंक हमें 3 और चाहिए। क्या? इनगॉट और वो हमारा कूलर बॉक्स रेडी हो जाएगा। यस yes, वो इनगॉट बना रहा है ना वो चेक। यार yes. ये कितना प्यारा है यार, इसको आप अगर राइड कर सको तो। चलो आई थिंक हो गया, और लेवल 4 पे हो गया ये, लेवल 1 था। यस 3 स्टार्ट हो गया आई थिंक। 3 चाहिए थे। हाँ कूलर बॉक्स। चलो अब ये कूलर बॉक्स ही फ्रिज है तो अंदर ही रखेंगे ना। हाँ हमारे अंदर क्या कर रहे हैं रूम में आके? वो जमा वो स्टोरेज में जाके चीजें रख रहे हैं बेचारे। ओ हेल्प कराने, हेल्प भी करा रहे हैं। तुम मतलब क्या कर रहे हो उनकी चोरी पे? हम पीछे नहीं होते, हमारे बेड में घुस के सो रहे हैं। लेवल 13 दो हो गए हैं, 1 लेवल 11 हो गया, वो लेवल 6 हो गया यार। यस काफी ज्यादा अपग्रेडेशन हो रही जल्दी जल्दी।
इसमें क्या रख सकते हैं हम, कूलर बॉक्स में क्या रख सकते हैं? कूलर बॉक्स ये नहीं बताया इन्होंने। कूलर बॉक्स सिक्योरिटी सेटिंग्स, ओह लॉक्ड एक्टिवेट, वाह भाई सिक्योरिटी सेटिंग्स भी है कूलर बॉक्स में। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, आइस ऑर्गन हमारे पास काफ़ी हैं। कूलर बॉक्स में मेरे ख्याल से हम खाना शाना रख सकते हैं, वो आगे जाके कहीं यूज हो। ये पेरी सीड्स अब हमें चेक करने हमारी बेस में क्या क्या रह गया अपग्रेडेशन के लिए है ना, ताकि ये लोग यहाँ से लेके ना बेरी सीड्स और डाल सकें। ये क्या है, बोन्स, वाह ये बोन्स भी मिली हुई है। अपग्रेडेशन क्या करनी है हमने अपने बेस के लिए वो चेक करते हैं। यस बेस अपग्रेड के लिए हमें चाहिए बिल्स फायर सफियर वर्क बेंच। ये किस तरह, इसके लिए क्या क्या चाहिए? अब इसके लिए हमें लेवल अप करना है अपना। किधर है सफियर बेंच? ये सफियर वर्क बेंच लेवल 14, लेवल 14 पे जाना है और सब चीज़ें अवेलेबल है हमारे पास। हाँ चीज़ें तो हमारे पास। टाइम कितना लगेगा ज़रा लेवल 14 पे ज़रा चेक करें। पेल्ट, मीट क्लीवर, तो हम ये चीज़ें भी तो बिल्ड कर लेते हैं ना, फिर ये चीज़ें बिल्ड होंगी तो हमारे लेवल अप होते जाएंगे। ट्रॉपिकल आउटफिट भी है, अच्छा पॉइजन एरोज भी हैं, पॉइजन एरोज भी अच्छे हैं यार। पॉइजन बो, यार फ्लेम बो बिल्ड कर लेते हैं ना, फ्लेम एरोज तो हमारे पास पड़े हुए हैं। ये फायर बोल्ट, फ्लेम ऑर्गन चाहिए या वो हम बिल्ड करें, क्रॉस बो बिल्ड करें, क्रॉस इन गॉड चाहिए, गॉड काफी चाहिए और नेल चाहिए। यस इन गॉड मिल गए हैं, नेल चाहिए, नेल अभी हम बना लेते हैं इससे। नेल यहाँ से आ जाएंगे, 11 भाई कितने चाहिए सर अभी तक, आगे जाके और भी मटेरियल्स खुल जाएंगे मेरे ख्याल से। कहाँ है क्रॉसबो? क्रॉसबो के लिए इन गॉड चाहिए हमें, और वो और हमारा ये एग नहीं सेट किया हमने, एक और वाटर टाइप एग है हमारे पास। सो हम और जमा करके ले आए हैं इतनी ज़्यादा, फर्नेस में डालेंगे, फर्नेस में डाल के हम बनाएंगे जितनी इन गॉड हम बना सकते हैं, और उससे हमारा क्रॉसबो आई थिंक हमारा वो एग भी रेडी हो गया होगा। नहीं एग में अभी 2 मिनट हैं। अच्छा अब हमारी क्या नेक्स्ट, क्या हमने अपग्रेड करना है? वो बिल्ड करना है ना अपना क्रॉसबो बिल्ड करना है, और फिर हमने जाना है आगे कहीं और, लैंड ज़रा ढूंढते हैं कहीं और जाके, जगह वगैरह कुछ देखते हैं। क्रॉसबो बन गई होगी हमारी, तो उसके बाद हमने क्योंकि लेवल अप भी करना है, सफियर वर्क बेंच बन जाएगा, तो हम फिर मेगा सफियर्स भी हम खुद बना सकते हैं। यस तो वॉल टॉर्चेस होंगी, फायर क्रॉसबो भी आगे। टोटल लेवल कहाँ तक जा रहा है? ये देख लेवल 15 पर नाइट विंग सैडल आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद हम इस पे उड़ सकते हैं नाइट विंग पे। ये चीज टोटल लेवल कितना है इस गेम पे? इसको तो बहुत आ गया है भाई, 50 लेवल्स हैं यार, 50 लेवल्स तक अपग्रेड होगी हमारी बेस। 50 लेवल तो बहुत टाइम लग जाएगा यार, बहुत वो है 50 लेवल तक बेस अपग्रेड, तो हम कहीं पे भी खोल सकते हैं ना बेस डायरेक्ट, बट चीजें तो रिक्वायर्ड होगी ना। हाँ ये है, अच्छा इन गॉड आ गए हमारे पास अभी, आई थिंक इनफ नहीं होंगे इन गॉड, चेक कर लेते हैं फिर भी। ये चीज आ गया, लेट्स गो, आ जाओ भाई हेल्प करने। बॉस पैडल की हमने ट्राई की थी पर हम वो अभी तक उसको मार नहीं सके। हमें लेवल अपने उनका क्रॉसबो रेडी हो गई है। यस क्रॉसबो को कहीं पे हमने आई थिंक प्लेस करना पड़ेगा, हमारा आएगा इधर। ये चीज 280 डैमेज है भाई, और ये 40 अटैक सिर्फ। क्रॉसबो का डैमेज चेक करो, अब आएगा ना मजा जब क्रॉसबो से मारेंगे हम, अब जाएगा सही डैमेज, सही डैमेज तो जाएगा। आप बो को हम उठा के रखते हैं इधर, तो ये तो फुल है, इधर रखते हैं हम बो को उठा के, क्योंकि ये बो अब हमें नहीं चाहिए। यस वो किसी काम के नहीं है, हम बहुत ऊपर निकल चुके हैं 280 लेवल पे, क्या बात है। सो वी आर गोइंग टू स्लीप, और स्लीप के ओ एग रेडी हो गया हमारा। चलो हम एग भी देख लेते हैं, एक और एग खोल लेते हैं। एग में हमारा कुछ अच्छा होगा, ये भी वाटर टाइप है। यस वाटर टाइप काफी एग्स मिले हमें, वो एक और मिल गया सरपेंट, एक और आ गया, और आई थिंक बेड्स पूरे हो गए हैं।
बेड्स हमारे पास एक एक अवेलेबल है बट अभी उसको रख नहीं सकते हम इधर। सर्फेंट को इसकी जगह रख लेते हैं। हाँ सर्फेंट खुद क्या करता है? नहीं नहीं वो ठीक है, बस सर्फेंट को पढ़ा रहे हैं बस, सही है। निकाल लिए फिनी फर्नेस में देख लेते हैं कुछ हो गया होगा। इनगॉट वगैरह यस यस वो लगा हुआ है अभी करने बेचारा। देखो दिन रात मेहनत कर रहा है हमारा ये, बहुत फिट बंदा है। लेवल 6 पहुंच गया, लेवल 1 था लेवल 6 पहुंच गया। चलो उसने बस कर दिया है क्योंकि सारों को नींद आ रही है। सो इस एपिसोड के साथ ये एपिसोड हम इधर ही बेड में एंड करेंगे। होपफुली यू गाइस लर्न समथिंग न्यू, इंजॉय कर रहे हो सीरीज का, मजा आ रहा है। डू कमेंट डाउन बिलो, आप लोग बताओ हमें, सजेस्ट करो कि आप चाहते हो कि हम ज्यादा मैप जल्दी एक्सप्लोर करें या ज्यादा डिफरेंट पोकेमॉन्स पकड़ें या बॉस बैटल्स करें या अपना लेवल बढ़ाएं या बेस लेवल ज्यादा जल्दी बढ़ाएं। व्हाटएवर यू वांट टू सी हमें मैसेज करो, कमेंट करो एंड वी विल चेक दैट आउट। वी रीड एवरी सिंगल कमेंट जो भी होता है। एंड डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, टेल देम अबाउट दिस ब्यूटीफुल गेम जो इतनी चीजें आपको दे रही है। एंड बस विद दैट वी गोना एंड दिस एपिसोड टुडे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।